आतंकियों से बुरी तरह मार खाने वाली पाकिस्तानी सेना एक बार फिर नप गई है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की रडार पर अब पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना आ चुकी है। पाकिस्तानी सेना को खत्म करने के इरादे से आतंकी लगातार पाक सेना को अपना निशाना बना रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना के एक और काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर जोरदार हमला किया है। वैसी हमला अभी हुआ ही है और हमारे नए नए फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम इसे डील करेंगे मंत्री बनने के बाद। दूसरी बार मंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू और उनका कहना था कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम पूरे इस एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे पाकिस्तान को इन सबको ठीक से देखें। मतलब डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बोला, उनके कहने का मतलब यही था। बोथ द बॉर्डर इशू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विल बी डेल्ट विद बाय इंडिया। दुनिया के रडार से पाकिस्तान पूरी तरीके से गायब होता चला जा रहा है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान का अचीवमेंट अगर हम पूछें तो अचीवमेंट तो कोई भी नहीं। इन्होंने कोई भी पॉजिटिव चीज दुनिया में कुछ इन्होंने कारनामा कर डाला हो 75 सालों में तो दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी एक भी अचीवमेंट इनका नहीं मिलता है। वहीं इनके इनसे नुकसान पूछे दुनिया को, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नंबर वन है दुनिया में। कोई भी पूरे विश्व में कोई भी अंडरवर्ल्ड का काम होगा, कोई भी दो नंबरी काम होगा, कोई भी आतंकवाद, ड्रग्स डीलिंग, ये सप्लाई वो सप्लाई, आर्म डीलिंग, कुछ की बात होगी, सबके ताने बाने आपको पाकिस्तान में जुड़ते नजर आएंगे। दुनिया भर के बॉम्ब ब्लास्ट में 80% के ताने बाने आपको पाकिस्तान से जुड़ते नजर आते। तो विश्व भर में सिर्फ अशांति फैलाने वाले देशों के साथ में यही होता है, ऐसे ही बायकॉट किए जाते जैसा इनका होता चला जा रहा है। मारे गए जवानों में सेना का एक कैप्टन भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया कि खैबर पख्तूनवा के लकी मारवत जिले में जवानों का काफिला जा रहा था और इसी दौरान उसे सड़क किनारे IED ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चरमपंथियों ने बम विस्फोट के बाद गोलियां भी चलाई। अब तक किसी समूह ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में आतंकियों के खिलाफ जोरदार अभियान भी शुरू कर दिया है, लेकिन इन अभियानों का क्या फायदा? पाकिस्तानी सेना हर रोज मर ही रही है, लेकिन हर बार सेना की तरफ से आतंकियों के खिलाफ इस अभियान में देरी हो जाती है। आतंकी पाक सेना को बर्बाद कर जाती है और सेना हाथ पर हाथ धरे बैठती है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कहा कि वो आतंकवाद को खत्म कर देंगी, इसके लिए वो अपने जवानों को तैनात रखेगी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जिन जवानों को तैनात करने की बात पाकिस्तान की मीडिया शाखा कर रही है, वो पाकिस्तानी सेना तो हर रोज आतंकी हमलों में मर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तानी सेना में जवान भर्ती क्यों होते हैं? मरने के लिए या फिर खुद आतंकियों की गोली से मारने के लिए? कब तक हम सहन करेंगे? क्वेश्चन है कब तक? क्या हम हमेशा उनके अटैक का ही जवाब देंगे? आप शपथ ले रहे थे, आपको गिफ्ट दिया गया है, वेलकम टू द सीट फॉर द थर्ड टाइम फ्रॉम पाकिस्तान, और आपने ट्वीट तक नहीं किया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है, आपके होम मिनिस्टर ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, और आप कहते हैं कि जवाब देंगे। यस, जवाब मिलेगा, उन्होंने गिफ्ट दिया है, आपको भी रिटर्न गिफ्ट तो देना ही है। जो ये टॉपिक है पाकिस्तान का, मैं बार बार बोलता हूं आपके चैनल के ऊपर, ये ऐसे कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कल भी मैं एक शो कर रहा था, वहां पर एक बाबा जी हैं, उनसे बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि जब तक ये आसमानी किताब रहेगी ये जंग जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तो अब इसका हल क्या है? क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं? नाउ देयर हैज टू बी समथिंग कॉन्क्रीट। ये जो जयशंकर जी ने बोल दिया कि हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम बात करेंगे उनसे, बात से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रामचंद्र बनने का इतना ही शौक है तो रामचंद्र जो है वो पुरुषोत्तम राम बने थे युद्ध के बाद, जब रावण का वध किया था। अब रावण के वध का टाइम है, पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है, वो टैग हम देंगे आपको। अच्छा, वो युद्ध जीतने के बाद आपको पुरुषोत्तम राम का टैग मिल सकता है। सर, मुझे इस स्टेटमेंट से भी दिक्कत है
क्या आपकी बॉर्डर का इश्यू सिर्फ चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है? आपने सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात बोल दी पाकिस्तान के साथ, क्या बॉर्डर इश्यू नहीं है उनके साथ? पाकिस्तान का बॉर्डर इशू कौन सा? क्यों आपने पीओके नहीं लेना वापस? देखिए वो एरिया कब्जा आया हुआ है उसको बॉर्डर तो दोनों ही मानते हैं, आप ये समझिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन योर स्टेटमेंट है यू हैव बॉर्डर इशू विद चाइना बट यू हैव टू इश्यूज विद पाकिस्तान व्हिच इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड बॉर्डर इशू, आपको दोनों रिजॉल्व कर रहे हैं। नॉट बॉर्डर इशू, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो बॉर्डर मैं उसको डिफरेंटली देता हूं कि मुझे अगर आप बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, भारत का पार्ट है, डील विद है, डील कैसे करोगे भाई? एक साल हो गया, आप बोलते हैं मोदी जी ठंडी करके खाते हैं, एक साल से 3 अटैक हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर, कभी 4 जवान मरते हैं, कभी 5 मरते हैं, कभी G20 का बहाना था, कभी इलेक्शन का बहाना था, जॉब तो दिया नहीं, अभी ये जम्मू में फिर दोबारा से आपको वेलकम गिफ्ट मिल गया है, जॉब कब मिलेगा? और जवाब मिलने का मैं आपको आंसर देता हूं अभी, जो आपको पता नहीं होगा अभी तक, क्योंकि ये चाइना में बातें चल रही हैं, जो क्वाड की मीटिंग होती है वहां पे जो नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें भारत को इंक्लूड ही नहीं किया गया, इस बार फिलीपींस को ले लिया, एंड अमेरिका हैज इन्फॉर्म्ड कि फिलीपींस इज गोइंग टू बी देयर न्यू मिलिट्री पार्टनर, इंडिया इज आउट ऑफ इट। वहां पे एक्सरसाइजेस में उन्होंने एक पुरानी शिप खड़ी थी चाइना की रिडेंडेंट, उसको अटैक किया है दिखाने के लिए कि कैसे इसको शिप्स को, चाइनीज शिप्स को अटैक कर सकते हैं, टू सेंड अ मैसेज टू चाइना कि नाउ वी आर सीरियस इन साउथ चाइना सी, भारत उसका पार्ट नहीं है। भारत को क्वाड में घुसाया तो जा रहा है, भारत को अभी इंडियन नेवी के शिप्स जो है इस समय फिलीपींस और वो साउथ चाइना सी के कई कंट्रीज के साथ वो मतलब वहां जाकर के विजिट किया, उन्होंने डॉकिंग की है। जो उसका क्वाड है उसका नाम चेंज करके उन्होंने स्क्वाड कर दिया है, आपने अमेरिका की बात नहीं सुनी, और उन्होंने बोला भी है ना तेल के लिए बात सुनी, ना S-400 के लिए बात सुनी, ना आप कोई और बात सुनते हैं, दैट मींस अब उन्होंने भी आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। इसलिए जब आप बोलते हैं कि हमारे बॉर्डर इश्यूज है चाइना के साथ हम रिजॉल्व करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, ना भारत के अंदर आप रिजॉल्व कर रहे हो ना बॉर्डर के ऊपर कर रहे हो, जब तक आप जवाब नहीं दोगे रोहित भाई, और जवाब भी बालाकोट से बड़ा देना पड़ेगा आपको, तभी आप ये चीजों को ठीक कर सकते हैं, वरना दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेरा ये प्रॉब्लम रही है और 1.5 साल से आपके और मेरी शोध बहुत हुए इसके ऊपर, कब तक हम वेट करेंगे? कल पाकिस्तान के साथ में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो हमने देखा हिंदुस्तान की तरफ से काफी सारी पाबंदियां हैं, आज से कई साल पीछे, 4-5 साल 6 साल पीछे हम जाते जाएं, धीरे धीरे पाबंदियां जो है वो बढ़ती चली गई, विशेष तौर पर जो उरी का मामला हुआ, पुलवामा का मामला हुआ, उन सब के बाद से बढ़ती चली गई समस्याएं भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत ने जो है पाबंदियां लगानी चालू की तो दुनिया बोल रही थी, दुनिया में कई ऐसी आवाजें थी, अलग अलग देशों की आवाजें थी, कई हमारे दोस्त देशों से भी ऐसी आवाजें उठती थी कि नहीं भारत को एक बार सोच लेना चाहिए, भारत को एक बार विचार कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ऐसे नहीं पाबंदियां लगानी चाहिए, आखिर वो भी एक देश। अब क्या हो रहा है? अब चाहे हम इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लें, अभी अपने वीडियो देखा होगा तुर्की ने इनके ऊपर कितने बैन लगा रखे हैं। पहली बात, इनका पासपोर्ट तो सबसे घटिया दुनिया के पासपोर्टों में गिना जाता है। इनके पासपोर्ट अगर कहीं भी दुनिया में चले जाए, चाहे इस्लामिक कंट्री में जाए, वेस्ट में जाए, इधर जाए उधर जाए, ऐसे ऐसी चेकिंग होती है इन लोगों की, इन लोग की आत्मा कांप जाती है, इनको लगता ही नहीं है कि जाते हैं घूमने फिरने, और वहां जाके इनको ऐसा लगता है जैसे ही कहीं की कैदी हैं, बहुत बड़ा दुनिया के अपराधी हैं, हैं भी, दुनिया में अपराध फैलाने का काम करोगे तो उसके बाद दुनिया आपको जो है वो फूल माला लेकर स्वागत नहीं करने वाली है। इसी के साथ साथ में अब आप देखिए इनकी अपनी एम्बेसीज, पाकिस्तान की जो अपनी एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, वो ये बेच रहे हैं। यूएस के अंदर एम्बेसी का आपने सुना, और भी एम्बेसीज को बेचने की बात चल रही है। एम्बेसीज में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं पाकिस्तान के, वो बार बार ट्विटर पर खास 2-4-5 महीने में एक आध का हम ट्वीट देखते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, पाकिस्तानी एम्बेसी चलाने का खर्चा नहीं भेज रही सरकार। दूसरी तरफ अलग अलग जो देश हैं वो इनके यहाँ से अपनी एम्बेसी जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही एम्बेसीज वाइंड अप होती ना, एम्बेसीज इनके यहाँ से उठ उठ के जाती रही, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें और अफगानिस्तान में एक पैसे का भी फर्क नहीं रह जाएगा। जैसे अफगानिस्तान को कोई सीरियसली लेता ही नहीं दुनिया में, जियो चाहे मर जाओ, चाहे ये हो चाहे वो, अब उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा।
सोवियत यूनियन के दौर में जरूर होगा, आज किसी का कुछ नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी जो इतना कहते हैं ना, लोकेशन हमारी ऐसी लोकेशन वैसी, हमें तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, हमें तो इग्नोर करके कोई जीवित ही नहीं रह पाएगा सब कुछ। आज जो है सबको नजर आ रहा है क्या दूध का दूध और क्या पानी का पानी है।